भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज के इस संदेश में, आज के इस वीडियो मैसेज में मैं आप लोगों के साथ अपने जीवन की एक अद्भुत घटना को शेयर करना चाहूँगा, जिसने मेरे जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वास को गहराई तक पहुँचाया और बढ़ाया। ये घटना है साल 2007 की, और इसी साल मैंने CBSE मैट्रिकुलेशन की एग्ज़ाम दी थी। 10th क्लास के मैंने बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए थे, जो मार्च में ख़त्म हुए थे और मई के आखिर में रिजल्ट आया था। और मैंने 80 के पार, 81.6% के साथ, 408 नंबरों के साथ इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। परंतु ये मुझे ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ, इसके पीछे प्रभु का सामर्थ्य था, प्रभु का उद्धार था, प्रभु की एक महान योजना थी। आइए उस घटना को, उस अद्भुत घटना को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कैसे प्रभु ने, मैं जो इस काबिल नहीं था, प्रभु ने इस काबिल मुझे बनाया, और प्रभु ने मेरे जीवन को विश्वास के द्वारा आगे बढ़ाया, विश्वास के रास्ते पर आगे बढ़ाया। तो ये बात है जनवरी 2007 की, जब मेरा 10th का मॉक एग्ज़ाम हुआ था। उस समय जो मेरे रिजल्ट थे वो 60% के आसपास आए थे, और उस समय मेरी एक बड़ी मम्मी, जो मेरी मम्मी की बड़ी बहन है, वो हमारे घर पे रहा करती थी। और मेरे पढ़ाई के प्रति जो नेगेटिव रवैया था, क्योंकि मैं खेलकूद में ज़्यादा बिजी रहता था, क्रिकेट से मैं ज़्यादा लगाव रखता था, पढ़ाई लिखाई में कम रुचि रखता था, मेहनत कम करता था। मैं पढ़ने में अच्छा था, परंतु मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं करता था, समय नहीं देता था इस कारण से। और मैं फिल्मी गाने गाने, टाइम पास करने और शरारत करने, इन सबों में ज़्यादा समय देता था। मैं कहने को तो 15 साल का होने वाला था, हो चला था, 16वां साल मेरा चल रहा था, परंतु मेरी मेच्योरिटी लेवल जो थी बहुत ही निचले लेवल पे थी। तो हुआ यूँ कि जब मेरा मॉक एग्ज़ाम बहुत ही कम नंबर के साथ आया, जैसे कि उम्मीद नहीं थी, जैसा कि मैं स्टूडेंट नहीं था, मेरा प्रदर्शन गिरते जा रहा था क्लास बाई क्लास, तो मेरी बड़ी मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम अब जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें तुम मुश्किल से ज़्यादा 5% नीचे लाओगे या 5% ऊपर लाओगे, तुम 70 ही पार नहीं कर पाओगे। तो मेरे अंदर एक ईगो फैक्टर भी था उस समय, तो मैंने कहा कि मैं 70 के 80 भी ले आऊँगा, और 80 के 80 पार भी ले आऊँगा। तो ऐसा कहने का मेरा एक मकसद था, क्योंकि मैं परमेश्वर को उतना विश्वास नहीं करता था। परंतु वो जो बड़ी मम्मी थी, उनका नाम श्रीमती संतोषी तिर्की है, संतोषी तिर्की, उस वक्त वो हमारे घर पर रहती थी, और उनकी कुछ बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी, और वो अपने आप को बहुत ही धर्मी एक स्त्री के रूप में प्रकट करती थी, और इस प्रकार प्रकट करती थी कि जो वो परमेश्वर के नाम पर कहती है वो सत्य है, वो उसे दर्शन मिलते हैं, उसे स्वप्न मिलते हैं, और अपने आप को वो एक धार्मिक स्त्री के रूप में प्रकट करती थी। और इस कारण से मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, है ना, मैं उसकी बातों से, उनकी बातों से मैं सेटिस्फाई नहीं रहता था। मैं पापी था, मैं परमेश्वर के बारे में उतना जानता भी नहीं था, बाइबल के बारे में उतना जानता भी नहीं था, मैं छोटा था, लेकिन मैं उस वक्त थोड़ा रूड था, मैं उल्टा पलट के जवाब देने वाला था, मैं उतनी बातें सुनना नहीं चाहता था मेरे विरोध में, और मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी बुराई करे। और वो मेरी मम्मी को बोलती थी कि लड़का 60 क्या लाना भी मुश्किल है, 70 कह रहा है, 80 बोल रहा है, मैं तो कहती हूँ 70 भी नहीं ला पाएगा। लेकिन ये परमेश्वर की योजना थी, प्रभु ने मुझ पापी के जीवन में प्रकाश लाने का, विश्वास का, और ये प्रकट करने का कि परमेश्वर ने घमंडियों को ठुकरा दिया, परमेश्वर ने अभिमानियों को ठुकरा दिया, परंतु परमेश्वर ने पापियों को, खोए हुए को, दीनों को चुन लिया है। वो जो 2007 का समय था, वो परमेश्वर का शब्द का, परमेश्वर का अनुग्रह का समय था मेरे जीवन में। मैंने जोश में आकर प्रभु के नाम पे ये बेट लगा लिया बड़ी मम्मी से कि मैं 60 क्या 70 पार 80 पार लाऊंगा। तो बड़ी मम्मी ने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो दूसरा एक काम और करो, उसमें मेरी जो पड़ोसी है कविता बड़ी मम्मी है, जो मेरे पिताजी के बड़े भाई की धर्म पत्नी है, उनकी बेटी जो मेरे साथ ही 10th दे रही थी, वो टाइम शेड्यूल से पढ़ती थी और अच्छा नंबर लाती थी, मैं भी उसके समानता में था पढ़ने में, परंतु मैं अपने गलत रवैये के कारण पढ़ाई में पीछे होता जा रहा था। तो बड़मी ने कंडीशन रखा कि यदि तुम 70 के 80 पार ले आओ और अपनी बहन से ज़्यादा नंबर ले आओ तो मैं मान लूँगी। मैंने बेट लगा लिया, परंतु मैं जानता था कि मैं कैसे कर पाऊँगा 1 महीना, मेरे पास तो काफ़ी नोट्स भी नहीं थे, मेरे पास तो काफ़ी किताबें भी नहीं थी, मैं ऐसा लचर स्टूडेंट था। आप विश्वास नहीं करेगा, फरवरी महीने में मैंने मॉक एग्ज़ाम के बाद आर्य सर्वपाल की मैथ्स किताब खरीदी और मैथ्स बनाए, थ्योरम्स याद किए, फार्मूलेस याद किए। तो मैंने जब जोश में लगा, ये प्रभु का एक योजना था, वो मुझे आत्मिक रास्ते पे ले जाना चाह रहे थे और मेरे कैरियर को भी संवार रहे थे। वो चाहते थे कि ये लड़का 80 के पार अचीव करे, और जो शरीर के अनुसार अपने कर्मों से फल को प्राप्त करते हैं, जो घमंड रखते हैं, प्रभु उनको नीचा दिखाए, प्रभु उनको छोटा करे। तो
तो बड़ी मी जो अपने आप को सोचते थे कि प्रभु उसके साथ है, हर एक बातों में उसके साथ है, उसकी सुनता है, उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है, उसे दर्शन देता है, सपनों में बात करता है, उसकी हर एक बातें सच ठहरती है, पत्थर के लकीर ठहरती है, वो धर्मी अपने आप को सत्य स्त्री के रूप में बड़ी मी पेश करती थी। और मैं उल्टी बातें नहीं सुन पाता था, मैं उसमें एक उद्दंड बालक था, मैं पलट के जवाब देता था। इस टाइप की मेरी आदत थी। मैंने जोश में तो लगा लिया, परंतु मैं जानता था कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। फिर भी मैंने जब जोश में लगाया, मैंने हारना नहीं सीखा था, प्रभु ने मुझ में नया बल भर दिया। मैं दिन रात प्रभु का नाम ले रहा था, मैं काम के समय यीशु मसीह को याद करता था, और जब काम पूरा हो जाता था उनको भूल जाता था। मैं अपने मतलब के लिए ईश्वर से प्रेम करता था, जब मेरी इच्छा पूरी नहीं होती थी मैं ईश्वर को गालियाँ भी देता था, बुरी बुरी बातें भी कहता था, उनको दोष लगाता था। ऐसा मेरा चाल चलन था। तब भी प्रभु ने मुझे अपने ही नाम के लिए चुन लिया था, और अपनी अपार दया को प्रभु ने मेरे पहला जो मेन एग्जाम था उस घटना से प्रकट किया। पर वही मैंने पूरी कड़ी मेहनत की, तकरीबन 10 घंटे में पढ़ रहा था, 8-10 घंटे दिन रात पढ़ रहा था। और जब एग्जाम आया, एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद जो 2 महीना का गैप था, उस प्रकार से मैं नहीं खेल पा रहा था, उस प्रकार से मैं नहीं गा पा रहा था। मेरे ये में था कि जब रिजल्ट आएगा क्या मुझे 80 पार नंबर आएंगे, क्या मैं अपनी बहन को पार कर पाऊंगा। वो तो साल भर मेहनत की है, लेकिन मैंने 1 महीना मेहनत किया है, लेकिन प्रभु का नाम मैंने लिया है, प्रभु के नाम पे मैंने वाचा बांधी, प्रभु के नाम पे मैंने बेट लगाया है। एक अगला इंसान जो अपने आप को धर्मी बताता है, जो मेरी बड़ी मम्मी है, और मैं तो एक पापी आदमी हूँ, मैं एक उद्दंड आदमी हूँ, मैं तो मेहनत करना भी नहीं जानता था, लेकिन प्रभु ने उस बड़मी को इस्तेमाल किया मेरे ही भलाई के लिए, मेरे ही उद्धार के लिए, कि मैं ये जानूँ कि प्रभु अभिमानियों का विरोध करता है, वो ये जाने कि प्रभु दीनों का साथ देता है, प्रभु दीनों पर अनुग्रह करता है, प्रभु खोए हुओं को लौटा ले आता है, प्रभु पापियों को अपना प्रेम दिखाता है, पापियों को विश्वास मिलाता है, पापियों पर अपनी बड़ी दया उंडेलता है। और उन्होंने बेट लगाने के समय मुझे इसलिए उकसाया कि मैं और परिश्रम करूं। उन्होंने कहा यदि तुम 80 पार ले आओ, अपनी बहन को पार कर पाओ, तो मेरा बेटा जॉनसन तिर्की, जो उस समय विशाखापट्टनम में रहा करते थे, इंजीनियर है, अभी बाहर है देश के, उससे मैं 2,000 रुपये दूंगी। उस समय 2,000 रुपये बहुत मायने रखते थे 2007 में। मैं सोचा था मैं ये खा लूंगा, मैं ये पी लूंगा, मुझे 2,000 मिल जाएंगे। मेरे सर दिमाग में, शरीर में ये बातें थी, मन में ये बातें थी कि मैं 80 पार ले आऊंगा, मैं उसको पार कर जाऊंगा तो मुझे 2,000 रुपये मिलेंगे। मेरे मन लालच था, लेकिन मेरे मन में ये भी था कि मैं इनको गलत साबित करूँ, क्योंकि वो मुझे बुरा भला कहती थी, मेरे बारे में मेरी मम्मी को कंप्लेन करती थी, और मैं इस प्रकार उनसे चिड़चिड़ाता था कभी कभी, उनको पलट के जवाब दे रहता था, क्योंकि मैं एक उद्दंड टाइप का था, मैं अपने विरोध में सुनना नहीं चाहता था। कई बार मैंने उनको दुखी भी किया, परंतु उन्होंने मेरे अच्छे के लिए ऐसा कहा था, परंतु उनमें वो जो घमंड था कि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सत्य बोलता हूँ, जो मैं बोल दूँ ईश्वर के नाम पर वो पत्थर की लकीर वो टलेगा नहीं, प्रभु ने उनको प्रकट किया कि प्रभु पापियों को उठाते हैं, प्रभु दीनों को उठाते हैं, प्रभु हम जैसे खोए भटके लोगों को लौटा ले आते हैं। और वो पहला मेन एग्जाम था 2007 का, सबत का, परमेश्वर का, वो 7वां साल मेरे उद्धार का कारण बना। 2 महीने मैं ठीक से खेल नहीं रहा था, पढ़ नहीं रहा था, पढ़ने का तो खैर उसमें था भी नहीं, छुट्टी था, नया स्कूल जाना था 11th, तो मैं 2 महीना जो घर में था, मैं प्रार्थना किया करता था प्रभु से। और जब रिजल्ट आया मई के एंड में, मैंने देखा कि मेरी बहन का 81.4% आया, 407 नंबर, और मेरा 81.6% आया, 408 नंबर, जस्ट 1 नंबर ज़्यादा, उसका 407 नंबर आया, मेरा 408 नंबर आया। और जब रिजल्ट आया तो मैंने 80 पार भी ले आया, और अपनी बहन को, जिसने अपने कर्मों से परिश्रम किया था, उसने प्रार्थना किया था, परंतु उसका भरोसा प्रार्थना से बढ़कर अपना कर्म था, मेहनत था, बाद में प्रार्थना था, परंतु मेरा कोई सहारा नहीं था। मैंने वैसे लाख मेहनत भी नहीं किया था, मैं जानता था, बस एक बाजी लगी, मैंने जुनून में लगा लिया, अपने उद्दंड स्वभाव का कारण लगा दिया, लेकिन अंत में परमेश्वर को याद किया कि प्रभु ये तो घमंडी है, आप मुझ पर दया कर दीजिए, अपने वचन को ऊंचा कीजिए। प्रभु ने मेरे सुना, प्रभु की यह योजना थी कि वो मेरे सुनेगा और पूरा करेगा, अपने आप को मेरे जीवन में प्रकट करेगा। और जैसा उसने अपने कर्मों भरोसा करके प्रार्थना किया था, प्रभु ने फल दिया, और जैसा मैंने प्रभु के अनुग्रह पर भरोसा करके प्रार्थना किया था, उसके बाद मेरे कर्म हुए, 1 महीने में आशीष हुई, मैंने 408 नंबर प्राप्त किया, 81.6, मेरी बहन ने 407 नंबर प्राप्त किया, 81.4। और इस प्रकार वो दिन प्रभु की महिमा का दिन, प्रभु के अनुग्रह का दिन मेरे जीवन में प्रकट हुआ, और प्रभु ने अपने आप को मेरे जीवन में प्रकट किया, और ये दिखाया कि मैं अपने कर्मों से नहीं, परंतु प्रभु के अनुग्रह के द्वारा खड़ा हूँ, और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा चुना गया हूँ। मैंने अपने कर्मों से वो संख्या नहीं प्राप्त की, वो अंक नहीं प्राप्त किए, प्रभु ने अपने अनुग्रह के द्वारा मुझको उठाया, और जो शरीर के द्वारा जन्मे हुए उनसे ऊँचा रखा, उस बड़ी मी ने, जिसने अपने आप को धर्मी जन समझ के, अपने आप को एक चुना हुआ जन समझ के, अपने कर्मों पर घमंड किया, प्रभु ने उसको नीचा दिखाया, प्रभु ने प्रकट किया कि प्रभु अभिमानियों का विरोध करता है, दिनों पर अनुग्रह करता है। ये बात अलग है, ये बात सच है कि उस बड़ी मी ने मेरे भलाई के लिए इस्तेमाल किया था ये 2 बेट कि मैं अच्छा नंबर प्राप्त करूँ, अच्छा संख्या प्राप्त करूँ, परंतु उसमें उन बातों में उनका अभिमान था, जिसको प्रभु ने झुकाया और दिनों पर पापियों का अनुग्रह किया। उसी प्रकार
जो अपने कर्मों पर घमंड करते थे, प्रभु ने उनको उसके कर्मों के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार, उनके प्रार्थना के अनुसार, जो प्रार्थना बाद में आती थी कर्म पहले, प्रभु ने उनको उनका मेहनत का फल दिया। परंतु मेरे लिए प्रार्थना अनुग्रह उस समय पहले स्थान पे था और कर्म बाद में था, क्योंकि मैंने उस लायक मेहनत नहीं किया था। प्रभु ने मुझे मेरा भाग दिया और मेरे जीवन अपने आप को प्रकट किया। तो हर एक सुनने वाला इस संदेश के द्वारा देखें कि प्रभु कैसे हम पापियों पर जीवन है बड़े बड़े काम करता है। हम लोग देख नहीं पाते, हम लोग समझ नहीं पाते, परंतु प्रभु हमें उठाने के लिए अद्भुत युक्तियाँ करता है, अद्भुत योजना करता है, अपने आप को अद्भुत तरीके से प्रकट करता है। और आज प्रभु मेरे जीवन में बढ़ते ही जा रहे हैं, वो बढ़े मैं घटूँ, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करते ही जा रहे हैं। मैं अगर कामों का बखान करूं तो दिन से रात हो जाएगा, मेरा सारा जीवन बीत जाएगा, परंतु प्रभु की महिमा की बड़ाई और स्तुति, जो उन्होंने बड़े बड़े काम मेरे जीवन में किए थे, कर रहे हैं और जो करने वाले हैं, उसका मैं बखान करूंगा तो मेरा अनंत जीवन भी कम पड़ेगा। तो इस मैसेज के द्वारा हर एक सुनने वाला बहुत आज की आशीष को रिसीव करे और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, अपने कर्मों से बढ़कर परमेश्वर के पास आए, प्रार्थना में विश्वास करें और अपने आप को प्रभु को सौंप दे कि प्रभु आपके द्वारा अपने आप को प्रकट करें, अभिमानियों को लज्जित करें, दीनों को ऊंचा उठाए, अपने आप को पापी के रूप में प्रकट करें, अपने आप को दीन दरिद्र बनाए। प्रार्थना करें विश्वास से और प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा, शिरोमणि बनाएगा अपने नाम के लिए, वो आपको इस्तेमाल करेगा, अपने नाम में आपको अच्छा नाम देगा, आपको अच्छा प्रतिफल देगा और बढ़ के देगा, घट के नहीं देगा। आमीन।